ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। यार तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। अगर वो नेहा की माँ है भी तब भी उसे नहीं पता चल सकता कि उसकी बेटी को किसने गोद लिया है। अडॉप्शन के कायदे इस मामले में बहुत सख्त हैं। भाई मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हें जो कुछ पूछना है उसी से पूछ लेना। मैं भी आता हूँ। क्यों, तू कहाँ जा रहा है? रैडिसन नंदिता जी का सामान लेने के लिए। वो यहाँ है? जी हाँ, जाइए, आप ही का इंतजार चल रहा है। कविता, कविता, हाय। ये सोमू क्या कह रहा है? तुमने उस औरत को घर में क्यों रख लिया? अरे आनंद, तुम एक बार उससे मिलते लो। क्यों मिल लूं? और तुम्हें कैसे पता उसका इरादा क्या है? मुझे तो बहरूपिया लगती है। कहाँ है वो? और नेहा कहाँ है? नेहा, हाय बेटा। हाथ 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 धो लो पहले। माँ, गंदी, अभी बाबा का सूट गंदा हो जाता। चलो मुंह भी धो, हाथ भी धो, तेल लगा। चलो बस जल्दी भाग के। मिस नंदिता राय। Thank you.
तेली नहीं लगाने दे रही। बैठो, कटवा दूँ उन्हें? नहीं कटवाने दूंगी। आंटी ने बोला मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। हाँ, लीजिए, हो गया आपका चेकआउट। अब निकालिए मेरे कुली गिरे के 20 रुपए 75 पैसे, निकालिए कैश। थैंक यू। इतनी अच्छी स्माइल है आपकी। चलिए 20 रुपए छोड़िए, 75 पैसे निकालिए। चुप करो सोमू, मौका मिला नहीं कि आवारा गर्दी शुरू। जरा नेहा को स्कूल छोड़ देना। नहीं, मैं पापा के साथ जाऊंगी। अरे रुको आंटी, आप भी चलो ना। आंटी को स्टेशन जाना है बेटा, उनको तैयार भी होना है। नहीं, आप फिर कब आएंगे? और कभी आऊंगी। गुड, फिर तो हम आपके घर जाएंगे। क्या हुआ? अब पापा आएंगे और बोलेंगे, अरे मैं तो चाबी भूल गया, और जाएंगे और मम्मी को किस करेंगे और चाबी लेकर आ जाएंगे। पापा, अब फिर चाबी भूल गए ना? नहीं बेटा, नहीं। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय आंटी। बाय। आनंद बहुत अच्छे हैं, नेहा बहुत लकी है। थैंक यू। क्या बात है पापा, आज आप सब कुछ भूल रहे हैं। पापा, आपको मालूम है आंटी के पास भी एक नेहा है, बिल्कुल मेरी जैसी। अच्छा, और कौन है? वो तो मैंने नहीं पूछा। आपको आंटी पसंद है? बहुत अच्छी है। पहली एडिशन की किताबें सिर्फ 3 दिन में खत्म हो चुकी हैं। दूसरी एडिशन की प्रिंटिंग शुरू हो गई है। कमाल तुम्हारी कविताओं का नहीं, मेरी प्रेरणा का है। वो तो ठीक है, लेकिन जानती हो मेरी नई बुक का टाइटल क्या है? क्या? माँ। हेलो। प्रोजेक्ट के पेपर्स आ गए सर। थैंक यू नीता। मेरी सुबह की मीटिंग कैंसिल कर देना। ओके सर। मुझे ऑफिस आते देर हो जाएगी। राइट सर। बाय सर। बाय। आनंद, जरा फोन पर हो तो पूछ लेना बनारस की ट्रेन टाइम पर है या नहीं। कहीं लेट हो गई ना तो हमारे सोमू साहब प्लेटफॉर्म पे नंदिता को कविता सीधा सुनाकर पागल कर देंगे। क्यों, आपको कविताओं से एलर्जी है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो ऑपरेटर, बनारस की ट्रेन टाइम पे। ओके, थैंक यू। ट्रेन 2 घंटे लेट है। एक्सीलेंट, तो फिर मैं आज आपको अपनी ताजी कविता सुना के ही रहूंगा। पहले नाश्ता तो करने दो। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो, पकड़े जाते हो। जब से आए हो मुझे ठीक से देखा भी नहीं। नंदिता को देखकर चिंता में पड़ गए हो क्या? What nonsense? अजीब बात है, कैसे कैसे हादसे हो जाते हैं जिंदगी में, पता नहीं कैसा महसूस करती होगी वो। उसने अपना पता वगैरह बताया? नहीं बताना चाहती, कह रही थी नेहा को यहाँ देखकर बहुत खुश है, दोबारा आना ही नहीं चाहती। हेलो सर, बंसल की आज मीटिंग है। यस नीता। आप आ रहे हैं ना सर? मैंने कहा ना मुझे ऑफिस आने में देर हो जाएगी, वो लोग नहीं इंतजार कर सकते तो कह दो चले जाएं। बट सर, आप प्रोजेक्ट।
आनंद, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, I'm sorry. थक गए हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? मैंने इसको निया के साथ घर में रखा. आनंद वो जा रही है, और फिर मैं चाहती थी तुम उससे एक बार मिल लो. अच्छा, मैं तैयार होकर नीचे आता हूँ. तुम कहो तो ऑफिस जाते जाते उसे स्टेशन छोड़ दूँ? ठीक है, लेकिन उससे कुछ उल्टे सीधे सवाल मत पूछ लेना. पता नहीं क्या गुस्से रही है उस पर. इतने इतने दिन दूर रहते हो, मिस करते हो मुझे? झूठे. गुड आइडिया. 2, 3, 4, 5, 6, 9. मेरे ख्याल से आप एक बार फिर फोन कर लीजिए. अगर ट्रेन एक बार लेट हो जाए तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं. कहीं ट्रेन और लेट हो गई तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा सुमो. नो प्रॉब्लम. 32 आप बनारस की ट्रेन प्लीज. सुबह 11:05. वो 2 घंटे लेट थी ना? नो मैम, 32 आप आज तो राइट टाइम में थे, वो तो चली गई. अच्छा ठीक है, थैंक यू. और भी 2 घंटे लेट हो गई है शायद. कैंसिल भी हो जाए, वंडरफुल. मैं तो कहता हूँ कि आप आज का जाना ही कैंसिल कर दीजिए. ठीक ही तो कह रहा है सोमू, तुम रुक क्यों नहीं जाते? आप लोग कौन हो? आप भी किस फॉर्मेलिटी में पढ़ रही हैं? आपका जाना कैंसिल. मैं आज आपको शहर की सैर करवाऊंगा और शाम को मेरे घर में शेर व शायरी और दावत. बस 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 ना साहब, कम से कम नंदिता से तो पूछ लो वो क्या करना चाहती है. शहर तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. अब ठहरी हूँ तो 2-4 किताबें खरीद लूंगी. हाँ तो मैं आपको पॉपुलर बुक हाउस ले जाऊंगा, वहां आपको मेरी किताबें मिलेंगी. श्योर. मैं ऑफिस चलता हूं. कुछ भूले नहीं क्या? बाय. बाय. क्या इत्तेफाक है, इस एडिशन की पहली कॉपी मैंने कविता को दी थी, ये आखिरी कॉपी बची है, ये आपके नाम करता हूँ. थैंक यू. नहीं सर, एक और भी है. शट अप. ये लीजिए, ये आपके लिए. आपकी अगली किताब कब आ रही है? जल्दी आ रही है. हेलो सर. आपने दिल क्या करे पढ़ी? हाँ सर. कैसी लगी सर? आपकी लव वाली कविता है तो बहुत अच्छी है. एक मेरी नई कविता आ रही है. कौन सी सर? सॉरी, चौंका दिया मैंने आपको. नहीं, मुझे अंदाजा था कि आप मुझे यहां जरूर मिलेंगे. बैठिए ना. मैं पूरा हूं सर. कॉफी? ओके. ब्लैक? यस मैम. बिना शक्कर? मेरे लिए भी. यस सर. समझ में नहीं आता बात कहां से शुरू करूं. माफ कीजिए, वो मैंने ट्रेन के बारे में झूठ बोला. दरअसल जब से आपको देखा है मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं. और मैं खुद आपसे बात करना चाहती थी. ये बच्ची नेहा? हाँ, हमारी है. तुमने कभी तुम्हारी नहीं, मैं शादी नहीं कर पाई. अरे आनंद, तू और यहाँ? गुजर रहा था तो सोचा तेरी बुक खरीद लूं, ताकि तुझे भी लगे कि सेल अच्छी हो रही है, और यहाँ ये मिल गई. तू कहाँ और बुकशॉप कहाँ? अगर मैं तुझे जानता नहीं ना
तो फौरन शक करता कि दाल में कुछ काला है। जिस तरह से तू रिएक्ट कर रहा है दाल में काला तो मुझे दिखाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बार दाल से भी पूछ लीजिए कि काला है कि नहीं।